भदोही पंचायत चुनाव को लेकर एक सामाजिक कार्यकर्ता के अर्जी पे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी पंचायत चुनाव को लेकर आरक्षण की अंतिम सूची जारी करने पर 15 मार्च तक रोक लगा दी। वार्ड नंबर 19 के प्रत्याशी शंभुनाथ पांडे ग्राम बेरवा पहाड़पुर ने कहा कि कोर्ट का जो भी फैसला होगा हम सबको मान्य होगा, इसी फैसले के आधार पर आगे की चुनावी रणनीति बनेगी। इस मौके पर सूरत तिवारी, श्रीकांत तिवारी इत्यादि मौजूद रहे। रिपोर्ट बाई अरविंद श्रीवास्तव, समाचार इंडिया न्यूज, भदोही। एक सामाजिक कार्यकर्ता के अर्जी पे हाई कोर्ट ने आरक्षण के जिला पंचायत चुनाव को लेकर प्रतिबंध लगा दिया है, जो अंतिम सूची जारी करने को था। इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, जिला पंचायत त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारी लंबे समय से चल रही थी और डेट अभी घोषित होने वाली थी। तब तक जनहित याचिका के दौरान माननीय उच्च न्यायालय में कुछ लोगों ने जनहित याचिका दायर करी थी, उस पर आरक्षण की व्यवस्था में कुछ जो है विसंगतियां पाई गई थी, जिसके वजह से माननीय न्यायालय ने उस पर रोक लगा दी कि पहले इसको सरकार प्रस्तुत करे, इस अपने तथ्यों को किस आधार पर आरक्षण की व्यवस्था जारी करना चाहती है। याचिका में कहा गया कि 2015 की आरक्षण प्रक्रिया का पालन नहीं किया जा रहा है। जी, उसमें कुछ विसंगतियाँ इस तरह से हैं कि कुछ आधिकारिक स्तर पर लोग लगा रहे हैं और कुछ ऐसी ग्राम सभाएं हो गई हैं जहां उन जातियों का कोई एक सिंगल पर्सन भी नहीं है और उसके बावजूद भी वहां पर रिजर्वेशन कर दिया गया है। जैसे हमारे यहां कुल प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में 54 ग्राम सभाएं ऐसी हैं जहां पर कि उस जाति के लोग निवास नहीं करते हैं, बावजूद इसके भी उस चीज़ को उस उपवास के लिए रिजर्व कर दिया गया है। तो इस चीज़ को लेकर के न्यायपालिका ने इसको जो है संज्ञान में अपने स्वतः संज्ञान लिया, जनहित याचिका भी हुई तो उस पर उसने 15 तारीख तक किसी भी तरह की चुनावी प्रक्रिया को चालू करने के लिए सरकार से ये कहा कि आप 15 तारीख तक चुनावी प्रक्रिया पर रोक लगाई जाती है, अपने तथ्य प्रस्तुत करें कि ऐसा क्यों हुआ है। तो उसके आधार पर जब निर्णय आएगा, जब सरकार अपना पक्ष प्रस्तुत करेगी, इसके बाद होगा फैसला कि भाई ऐसी विसंगतियाँ जिसको पहले आप दूर करिए, फिर उसके बाद अगली कार्रवाई। जब आपको सुनने में आया कि हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया है चुनाव पे, तो क्या आपका प्रचार प्रसार रुक गया उस समय कि जारी रहा? प्रचार प्रचार प्रसार तो पूरी तरह से जारी है, क्योंकि प्रत्याशी मैदान में बहुत दिन से प्रचार प्रसार अपना कर रहे हैं और प्रत्याशियों की संख्या भी बहुत हो गई है, तो कोई आदमी अपने प्रचार प्रसार को नहीं रोक रहा है, ये मान करके कि जो भी फैसला आएगा उसको हम लोग देख लेंगे, लेकिन प्रचार प्रसार में कोई किसी को